नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हम आए हैं नानगंगा क्षेत्र में, जहां पर एक तरह से उत्तराखंड खेल महोत्सव जो है मनाया जा रहा है खंड स्तरीय पर। और हमारे साथ टीचर हैं और इस जो खेल महाकुंभ का जो आयोजन कर रहे हैं उनकी समिति से हमारे साथ जो टीचर हैं वो जुड़ गए हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो ये महाकुंभ के बारे में क्या चल रहा है और शासन उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं और इस तरह से जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं वो किस लेवल पर चल रही हैं, उनके क्या उनके लिए पात्रताएं हैं। सर, सबसे पहले तो नमस्कार, धन्यवाद। ये ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ब्लॉक स्तरीय इस महाकुंभ में वे प्रतिभागी प्रतिभाग करते हैं जो न्याय पंचायत स्तर से चयनित होकर आते हैं, और इसमें तीन चार चरणों में ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। प्रथम चरण में अंडर 14, फिर अंडर 17 और फिर 20 अंडर 21, तो ये प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। इसमें मुख्य रूप से दौड़ एथलेटिक्स और इसमें इसके अलावा ये चक्का गोला फेंक, उसके बाद ऊंची कूद लंबी कूद खो खो कबड्डी और वॉलीबॉल की प्रतियोगिता और बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। तो हमारे इस खेल महाकुंभ का प्रारंभ दिनांक 25 से हुआ है, जिसका उद्घाटन हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी ने किया था। इस अवसर पर संरक्षक श्रीमती कमलजीत कौर, ब्लॉक प्रमुख सितारगंज, विशिष्ट अतिथि प्रेम सिंह टूर्णा, न्याय पंचायत नानकमत्ता, पुष्पेंद्र सिंह राणा, सांसद प्रतिनिधि भास्कर संबल, अध्यक्ष प्रधान संघ सेवा सिंह प्रधान, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नानकमत्ता पलविंदर सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी, समस्त ग्राम प्रधान विकास खंड सितारगंज के अलावा इस अवसर पर हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती सुषमा गौरव, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज ओदली, संयोजक सुरेश कुशवाहा और ब्लॉक विकास अधिकारी सितारगंज श्री हरिश्चंद्र जोशी, खेल समन्वयक ललित मोहन मेहरा और इसके अतिरिक्त इस विकास खंड के सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य, इसमें प्रमुख रूप से ये शक्ति राजकीय इंटर कॉलेज शक्ति फार्म के श्री बालमुकुंद तिवारी जी, ये राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिचवा के श्री रविंद्र पाठक जी। सर, सर एक मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो खेलकूद का जो स्तरीय है, क्या ये स्कूल लेवल पर हो रहा है या फिर क्या व्यवस्था की गई? नहीं, ये व्यवस्था ये युवा खेल कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा है आयोजित किया जाता है, जिसका आयोजन विशुद्ध रूप से यह उस विभाग का है, लेकिन ये जिम्मेदारी चूँकि हमें सौंपी गई है, शिक्षा विभाग को सौंपी गई है, इसलिए हम इस आयोजन को कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के थ्रू ही यह विभाग ये प्रतियोगिताएं कराता है। इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि कोई भी प्रतिभागी किसी विद्यालय का छात्र अथवा छात्रा हो, इसमें किसी भी ग्राम का चाहे अनपढ़ व्यक्ति भी यदि प्रतिभाग करना चाहता है तो उसको इस खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का अधिकार है और उसे प्रतिभाग कराया जाता है। तो विशुद्ध रूप से ये खेल जो है वह ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, और इसका मूल उद्देश्य भी यही है कि हमारे गाँव क्षेत्र के जो वंचित बच्चे हैं जिनको कभी खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का अवसर नहीं मिलता है, ऐसे प्रतियोगियों को इस प्रतियोगिता के माध्यम से उनको निखारा जाए और देश तथा देश में, ताकि वे अपने देश प्रदेश देश और अंतर दूसरे देशों में भी अपना नाम रोशन कर सकें।
सर एक बार आप मुझे बताइए, शिक्षा जीवन में या फिर जो एक तरह से युवा हैं उनके लिए खेल का क्या महत्व है? इस खेल में बहुत महत्व है, क्योंकि हालांकि इस समय सरकार द्वारा शिक्षित करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए, कोई भी बच्चा कोई भी बालक अनपढ़ ना रहे, फिर भी अदा कदा यदि कोई छूट जाते हैं और उनके अंदर प्रतिभा यदि हो तो इस खेल महाकुंभ नाम दिया इसलिए गया इसको कि ये खेल महाकुंभ है, तो इसमें से चयनित होकर के बच्चे और आगे बढ़ सकते हैं और एक एक प्रतियोगिता में और जिनको प्रमाण पत्र मिलते इसका वैल्यू आगे बढ़े, किसी तरह के शिक्षा ग्रहण करने के बाद इसके बैटेज भी उनको मिलेगा, इसके जो पॉइंट से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जो प्रतिभागी होंगे छात्र छात्राएं हो या अन्य जो गांव से ग्राम सभा से, इसलिए ये न्याय पंचायत रखा गया है, संकुल नहीं, हमारे शिक्षा विभाग में संकुल है बट यहाँ पर न्याय पंचायत के माध्यम से ये बुलाया जा रहा है। और जैसे कि सर ने बताया कि अंडर 14 तक का जो है न्याय पंचायत के आधार पर उनका प्रतियोगिता कराया गया है और वहाँ से चयनित होकर के विगत 2 दिनों में संपन्न हुआ था और आज ओपन ये ब्लॉक स्तर पर अंडर 17 का आज यहाँ पर है ओपन प्रातः 11 बजे तक यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आपको बताना चाहूँगा शायद 40 तक के बच्चे तो उसमें दौड़ में आए थे इस तरह के, क्योंकि आ रहे ओपन है रजिस्ट्रेशन कराया है, अभी कबड्डी जारी है आप देख रहे हैं वहाँ पर हमारे जो खेल समन्वयक है श्रीमान निर्मल जी बेसिक और हमारे ललित मोहन मेहरा जी माध्यमिक, 2 हमारे समन्वयक है और यहाँ पर कबड्डी देखिए कितना भीड़ हो रहा है वहाँ पर। मैं जी एक तरह से सर आप मुझे बताइए कि जिस तरह से खेल में जो है जो प्रतिभागी जो होता है उसे एक तरह से जब वो जीतता है तो उसे पुरस्कृत किया जाता है, व्यवस्था क्या है उनको पुरस्कार देने की? मैं रविंद्र कुमार पाठक प्रधानाचार्य राव उमा बिबिचुआ यहाँ पे पुरस्कार समिति का प्रभारी हूँ और आपका स्वागत है यहाँ पर महाकुंभ में। ये ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता है, इसमें इनाम का भी जो है प्रोविजन है, इसमें जो फर्स्ट जो जो जीतता है जो प्रथम पे आता है उसको एक हम स्वर्ण पदक देते हैं, उसके साथ उसको 300 रुपये जो है वो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उसके साथ ही उसको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। जो द्वितीय पे आते हैं उनके लिए जो है एक रजत पदक 200 रुपये और एक उनका सर्टिफिकेट द्वितीय का, इसी प्रकार तृतीय को 150 रुपये और उनको एक रजत कांस्य पदक और उसके साथ ही साथ जो है उनको 150 रुपये प्रोत्साहन राशि या इनाम की राशि आप कह लीजिए उसको हम देते हैं और बस इतनी ही है। एक और चीज़ मुझे जाननी है सर, क्योंकि अभी जो लेवल है वो है खंड लेवल, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जिले स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाती जाएगी और उसमें इस प्रतियोगिता में जो बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें वहाँ प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान होगा, उसके बाद वहाँ जो प्रतियोगी जो प्रतिभागी प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे उनको राज्य स्तर पे करने का अवसर प्रदान होगा और विभाग द्वारा इस खेल में जो प्रथम और द्वितीय स्थान जो राज्य स्तर पर या ब्लॉक और जिले स्तर पर प्राप्त करेंगे उसे सरकार द्वारा ऐसा प्राविधान किया जा रहा है कि नौकरियों में भी उन्हें वेटेज दिया जाएगा, तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है यदि वे अपना करियर निखारते हैं अच्छी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से भी ही उनको नौकरियों में भी इसका लाभ मिलेगा जो उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। जी सर क्या कह रहे थे आप, क्या चीज़? मेरा कहने का मतलब ये है जैसे जो टीम इवेंट्स होती हैं तो उसमें जितने खिलाड़ी हैं सबको अगर जो फर्स्ट आएंगे मान लीजिए उसमें 10 हैं तो 10 को जो है 10ों को भी 300 की राशि और सबको इंडिविजुअल एक एक मेडल दिया जाएगा और जो हैट्रिक जो 3 प्रतियोगिताओं में जो प्रथम आता है जो प्रतिभागी उसके लिए क्या व्यवस्था? अगर 3 में जैसे प्रथम फर्स्ट में प्रथम आया तो उसे प्रथम का मेडल और प्रमाण पत्र उस इवेंट का और 300 रुपये, मान लीजिए अगर वो दूसरी प्रतियोगिता में सेकंड आया तो उसे रजत पदक उस प्रतियोगिता का और जो है फिर उसकी प्रोत्साहन राशि 200 रुपये और एक सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए वो तीसरी में भी है तीसरी में अगर वो फर्स्ट आ गया तो फिर उसको 300 रुपये और स्वर्ण पदक और उसके साथ में एक प्रमाण पत्र, तो 3 प्रतियोगिता में वो जिस पोजीशन पे रहेगा अगर तीनों सपोज करिए तीनों में वो फर्स्ट आ जाता है तो तीनों में उसे स्वर्ण पदक और 300 राशि और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। एक तरह से शिक्षा का जो है शिक्षा का महत्व तो है ही, खेल का भी उतना ही महत्व है जितना शिक्षा का है, क्योंकि अभी हमने देखा था
जो ओलंपिक जो हुआ था, जिस तरह से हमारे देश के जो है खिलाड़ी जो है उनमें स्वर्ण पदक लेकर आए थे, पूरे देश का नाम रोशन हुआ था, और वही व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है कि गाँव से हमारे जो है युवा जो है निकले, खिलाड़ी निकले, जो शैक्षिक जीवन में जो युवा निकल पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ वो पढ़ाई के साथ साथ वो खेल में भी अपना एक तरह से देश का नाम रोशन करें, और अधिक से अधिक जो आने वाली प्रतियोगिताएं हैं वैश्विक लेवल की जो प्रतियोगिताएं हैं उन पर जो है वो स्वर्ण पदक लेकर हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे समाज का नाम रोशन करें। इसी तरह की रिपोर्टिंग मैं आपके सामने लाता रहूँगा। मैं कैमरामैन विवेक के साथ रोस्तम सिंह राणा, थारू समाचार।